नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन गहलोत एवं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सस्ता घर के YouTube चैनल पे। दोस्तों, सस्ता घर आज आपके लिए 3 BHK लग्जरी फ्लैट लेकर आया है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पर। लोकेशन की बात करूं तो 100 फुटा रोड से बिल्कुल कनेक्टेड है और छतरपुर इंक्लेव फेज 2 के अंदर लोकेटेड है। दोस्तों, आज जो प्रॉपर्टी आपको दिखाने जाऊँगा वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है, उसका फिनिशिंग वर्क चल रहा है। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि आप हमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं, तो दोस्तों मैं आज बात करूंगा कैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में घर लेना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, घर लेना हमारी ज़रूरत भी बन चुका है, हमारा सपना भी है और लिविंग स्टैंडर्ड भी बन चुका है। दोस्तों, घर प्लान करने से पहले हमारे बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं। कोई तो ज़िंदगी भर की पूंजी लगाता है, कोई फाइनेंस लेता है, कहीं से उधार लेकर घर प्लान करता है। तो दोस्तों, आप ज़िंदगी भर की पूंजी लगा रहे होते हैं उसके अंदर, तो आपको पता होना चाहिए क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आप क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, किस तरह का मटेरियल लग रहा है, और पूरी स्पेसिफिकेशन बिल्डर से ले सकते हैं स्टार्टिंग में अगर घर प्लान करते हैं आप। दूसरा होता है कस्टमाइजेशन। हमारे पास कुछ दोस्त आते हैं जो घर देखने आते हैं, कहते हैं सर मुझे इसका लेआउट थोड़ा चेंज कराना है, बट तैयार होने के बाद अगर लेआउट आप चेंज कराते हैं तो उसमें बहुत सारा खर्चा आपका हो जाता है। दोस्तों, स्टार्टिंग में आप अपने हिसाब से अपना फ्लैट को कस्टमाइज करा सकते हैं, अपने तरीके से तैयार करा सकते हैं, तो आपका खर्चा ये बच जाता है। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइस अप्रिसिएशन। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं तो थोड़े कम प्राइस में आपको मिल जाती है रेट टू मूव के अकॉर्डिंग। आप चाहते हैं तो फ्यूचर में उसको सेल भी कर सकते हैं, थोड़ा अप्रिसिएशन आपको मिल जाता है। दोस्तों, फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फ्लोर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जब फ्लैट तैयार हो जाता है तो आपके चॉइस का आपको फ्लोर नहीं मिल पाता, तो फ्लोर अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं स्टार्टिंग में घर प्लान करते हैं। पाँचवा, आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है पेमेंट करने के लिए। स्टार्टिंग में आपको कुछ पेमेंट देके आप फ्लैट रोक सकते हैं, फिर धीरे धीरे अपने फ्लैट के अकॉर्डिंग जैसे काम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। लोन भी आपको लास्ट में मिलता है सबसे बिल्डिंग तैयार हो जाती है, तो आपको एक टाइम मिल जाता है फ्लैट में पेमेंट करने के लिए। लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे बड़ा पॉइंट है। दोस्तों, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप बुक कराते हैं तो बिल्डर आपसे कमिटमेंट करता है कि मैं इस तरह का काम करके दूंगा, इस तरह के फिटिंग फिक्सचर आपको लगा के दूंगा। दोस्तों, पेमेंट भी आप धीरे धीरे करते हैं। अगर बिल्डर वो कमिटमेंट आपकी पूरी नहीं कर रहा है तो आप पेमेंट रोक भी सकते हैं और अपनी जितनी भी कमिटमेंट है उसको पूरा करा सकते हैं। दोस्तों, ये सारे फायदे आपको मिल जाएंगे अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक कराते हैं, इसलिए हम आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी दिखाते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ, वहाँ जाके बात करेंगे किस तरह की प्रॉपर्टी है और किस तरह के फिक्चर के साथ और किस तरह के एमिनिटी के साथ फ्लैट आपको मिल रहे हैं। दोस्तों, अपनी लोकेशन पर हम आ चुके हैं जहाँ मैं आपको वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ वो 509 गज की बिल्डिंग है, एक फ्लोर पर 4 फ्लैट है, एल कॉर्नर की बिल्डिंग है, तो साइज़ काफ़ी अच्छा निकल जाता है फ्लैट का। मैक्सिमम आपको 500 गज के अंदर 125 गज का कवर्ड एरिया मिलता है, बट एल कॉर्नर होने के कारण काफ़ी स्पेसेस आपको बेडरूम मिल जाते हैं, जिसको लेआउट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा किस तरह के बेडरूम आपको मिल रहे हैं और किस तरह का एलिवेशन आपको मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको बाहर के रोड दिखा देता हूँ। दोस्तों, रोड देखने जरूरी होते हैं क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो सबसे पहले रोड ही है जिसके थ्रू हम अपनी प्रॉपर्टी पर पहुँचते हैं। तो रोड देख सकते हैं आप, एल कॉर्नर बिल्डिंग मैंने आपको बताया ईस्ट और साउथ फेसिंग, तो दोनों साइड आपको 25 फीट के रोड मिल रहे हैं कॉन्क्रीट के। अगर मैं गवर्नमेंट सुविधाएं की बात करूं, दिल्ली जल बोर्ड का पानी, ट्यूबवेल सप्लाई का पानी, IGL की गैस पाइपलाइन और BSS के मीटर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं अब इसकी पार्किंग, क्योंकि सबसे बड़ा इशू मेरे दोस्तों का यह रहता है कि सर हमें पार्किंग प्रॉपर मिलनी चाहिए। दोनों साइड से आप ईस्ट और साउथ फेसिंग से बिल्डिंग के अंदर गाड़ी पार्क कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, तो पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्ट्रक्चर काफ़ी हैवी है, कॉलम भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, काफ़ी हैवी कॉलम दिए हुए हैं 1 फीट बाई 2 फीट के, और जो भी स्ट्रक्चर है काफ़ी हैवी दिया हुआ है। दोस्तों, अब मैं लेआउट के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ किस तरह का एलिवेशन आपको मिल रहा है और किस तरह के अंदर बेडरूम के साइज मिल रहे हैं। दोस्तों, अब स्क्रीन पे आपको एलिवेशन दिख रहा होगा, इसमें ईस्ट की तरफ भी काफ़ी अच्छा एलिवेशन वर्क करके दे रहे हैं और साउथ की तरफ भी। पहले ईस्ट फेसिंग की तरफ बात कर लेते हैं, देख सकते हैं आपको ग्रूविंग करने के बाद स्टोन फिनिश पेंट करके दे रहे हैं, HPL का वर्क भी यूज़ कर रहे हैं इसमें, जो हाई प्रेशर लैमिनेट शीट होती है, और स्टोन की जाली लगा के दे रहे हैं कॉन्क्रीट की। जितनी भी रेलिंग आपको मिल रही है वो ग्लास के थ्रू आउट लगा के दे रहे हैं। साउथ फेसिंग की तरफ भी काफ़ी अच्छा एलिवेशन आपको मिल रहा है, स्टोन का जाली का यूज़ किया हुआ है, ग्लास की रेलिंग मिल रही है, बड़ी बड़ी विंडो और दे रहे हैं एलिवेशन के लिए, और HPL का यूज़ कर रहे हैं और डार्क कलर का स्टोन फिनिश पेंट यूज़ कर रहे हैं, तो एलिवेशन काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं अंदर के लेआउट की। दोस्तों, इस बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लैट है, तो मैं आपको जो यूनिट समझा रहा हूँ फ़ोन नंबर यूनिट समझा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पेसेस आपको फ़ोन नंबर यूनिट मिल रही हैं। इसके अंदर 2 बेडरूम आपको साउथ फेसिंग की तरह मिल रहे हैं बालकनी के साथ। अगर बेडरूम के साइज़ की बात करूँ तो 11 फिट बाई 16 फिट और 11 फिट बाई 15 फिट। एक अच्छा टॉयलेट मिल रहा है आपको 5 फिट बाई 7 फुट 6 इंची का। बालकनी का साइज़ देख सकते हैं 17.5 फिट बाई 4.5 फिट की बालकनी मिल रही है, काफ़ी स्पेसेस।
और दोस्तों इसके अंदर एक कॉमन टॉयलेट आपको मिल रहा है जो 7x6 फीट का मिल रहा है। अगर बात करूँ लिविंग एरिया की तरफ, वो भी काफ़ी स्पेस है, 14x19 फीट का मिल रहा है। किचन की बात करें तो 7x9x11 फीट की किचन आपको मिल रही है, और वेंटिलेशन के लिए एक शाफ्ट दी हुई है जो आपके दोनों टॉयलेट से कनेक्टेड है और बेडरूम से कनेक्टेड है। दोस्तों बेडरूम अगर बात करें बैक साइड वाले बेडरूम की, तो 14x11 फीट का बैक साइड वाला बेडरूम मिल रहा है, और इसके अंदर अटैच टॉयलेट मिल रहा है 5x7.5 फीट का, और वार्डरोब आपको हर बेडरूम के अंदर मिल रही है। तो काफ़ी स्पेसेस आपको फ्लैट मिल रहा है और बेडरूम के साइज़ मिल रहे हैं। दोस्तों लेआउट तो आपने देख लिया होगा, काफ़ी स्पेसेस आपको बेडरूम के साइज़ मिल रहे हैं और लिविंग एरिया का साइज़ मिल रहा है। एलिवेशन भी काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है। अब बात करते हैं इंटीरियर वर्क की। बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में, सिविल वर्क चल रहा है, तो आप चाहते हैं थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेने के क्या फ़ायदे, तो कस्टमाइजेशन में चाहते हैं तो फॉल सीलिंग वर्क अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं, जो भी काम होने वाला है उसे भी अपने अकॉर्डिंग आप करा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। उससे पहले बोलना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकेशन भी मैं स्क्रीन पर शो करने वाला हूँ, कि स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं किस तरह के ब्रांडेड फिटिंग फीचर आपको इस बिल्डिंग के अंदर मिलने वाले हैं। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो छतरपुर मेट्रो से अप्रोक्स 1.25 किलोमीटर की दूरी पर, और कुतुबमिनार मेट्रो से अप्रोक्स 1.25 किलोमीटर की दूरी पर ही अवेलेबल है। और दोस्तों गुड़गांव भी यहाँ से इजीली कवर कर सकते हैं, गुड़गांव यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्टार्ट हो जाता है। बाहर निकलती है आपको ग्रॉसरी के लिए सारी मार्केट मिल जाती है, फूड मार्केट मिल जाती है, जहाँ सारी नीड्स आपकी फुलफिल हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं प्रॉपर्टी के प्राइस की। प्राइस की बात करूँ तो 75 लाख इसका आस्किंग प्राइस है। दोस्तों बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी आप क्वेरी करना चाहते हैं या और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।